हेलो दोस्तों, अगर आपके पास में भी कोई एंड्रॉयड टीवी है या फिर अगर आप मी का टीवी करेंटली यूज़ कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वायरलेसली फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी टीवी के अंदर में। और ये जो ऐप है काफ़ी सारे काम करती है, फाइल मैनेजर का भी काम करेगी, आपका डेटा भी ट्रांसफ़र करेगी अपने फ़ोन से आपके टीवी में। यहाँ पर आप APK फाइल को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब कि ऑल इन वन ये ऐप है। अगर दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो काफ़ी कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उनका APK फाइल लेके आपको इंस्टॉल करना होता है। तो APK फाइल पहले आप अपने ज़्यादातर फ़ोन में डाउनलोड करते हो, इसके बाद में आप पेन ड्राइव में लेते हो, फिर पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो टीवी के अंदर में, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है फिर उस ऐप को इंस्टॉल करके यूज़ कर पाते हो। तो यहाँ पर आज जो मैं आपको ऐप बताने वाला हूँ, इसमें क्या होगा कि आप अपने फ़ोन से डायरेक्टली उस APK फाइल को अपने टीवी में भेज सकते हैं और वहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ इतना ज़्यादा लफड़ा आपको करना नहीं होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कुछ ऐसे ही मी टीवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों यहां पर ये जो ऐप है इसका नाम है फाइल्स बाय गूगल, ये गूगल की ही ऑफिशियल ऐप है। अब ये ऐप आपको कैसे मिलेगी, पहली बात तो दोस्तों मेरे पास एप्टॉइड टीवी है तो मैं उसके प्ले स्टोर से इस ऐप को ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस ऐप का आपको APK फाइल दे दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी तो आप वहां से भी जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। अब कैसे काम करना है, आपको फोन में भी सेम ऐप को डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास में दोस्तों एंड्रॉयड फोन है जो प्योर एंड्रॉयड है, स्टॉक एंड्रॉयड पे, तो उसमें फाइल मैनेजर बाय डिफॉल्ट यही ऐप आपको मिलता है। लेकिन अगर आपके पास में किसी दूसरी कंपनी का फोन है, सैमसंग है या फिर रेडमी वगैरह है, तो शायद उसमें ये ऐप आपको इनबिल्ट ना मिले। तो आपको कैसे लेना है, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है फाइल। जैसे आप फाइल सर्च करोगे यहाँ पर सबसे पहले रिजल्ट आ जाएगा, आपको इसी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है सेम अपने फ़ोन में, ये आपको प्ले स्टोर पर ऑफिशियली मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल करके रखा क्योंकि ये मेरे फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आपको अपने टीवी में जाना है, आप टीवी में फाइल ऐप को ओपन कर लेना है क्योंकि अब इसका काम है। आप जैसे इसको ओपन करोगे कुछ इस तरह से आपको यूज़र इंटरफेस यहाँ पर दिखता है, काफ़ी क्लीन है और इसको यूज़ करने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देख सकते हो यहाँ पर ब्राउज़ का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप देख सकते हो ये ब्राउज़ का है। तो अभी अगर आप देखोगे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर फाइल मैनेजर एक हिसाब से ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो इंटरनल मेमोरी इतना खाली है और यहाँ पर आपका फाइल मैनेजर का ये काम करेगा। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज है सारा ऐप का डेटा। और अब जैसे आपको क्या करना है, फाइल ट्रांसफ़र करना है तो जस्ट आपको शेयर के ऊपर में क्लिक करना है। मैं क्या करूँ, ब्राउज से नीचे आता हूँ और यहाँ पर शेयर के ऊपर में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, सेंड और रिसीव का। तो जैसे कि मुझे फाइल अपने टीवी में रिसीव करना है तो मुझे रिसीव के ऊपर क्लिक करना होगा, तो मैं रिसीव के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्च करने लगा है। अभी क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में जाना है और फ़ोन में भी आपको यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करना है और फिर सेंड के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो अभी क्या होगा, दोनों फ़ोन और आपका टीवी दोनों आपस में अभी कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर नाम हो चुका है टेक्नोलॉजी, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अभी ये देख सकते हो यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है और आपके टीवी में भी एक बार कन्फर्मेशन मांगेगा। अब आपको टीवी के रिमोट से इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अपने फाइल मैनेजर में ही जाना होगा। अब यहाँ से अगर आप कुछ भी ट्रांसफ़र करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोटो रही, मैं इसको यहाँ से सेंड करता हूँ और आप देख सकते हो कि टीवी के अंदर में ये ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जा रही है फाइल, स्पीड वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी सही है, आप इससे वायरलेसली अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर पाओगे। और अभी आप देख सकते हो कि ये डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है। अब मुझे अगर और कुछ यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है तो सेंड मोर फाइल्स के ऊपर जाना होगा। यहाँ पर कुछ APK वगैरह है तो आप उसको सिलेक्ट करिए, जैसे मैं यहाँ पर APK को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सेंड के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो फाइल भी सेंड होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से ये स्टार्ट होना, यहाँ पर सेंड होना शुरू हो गई है। तो कुछ इस हिसाब से आप अपने फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। APK फाइल भी वहाँ पर जा रहा है, स्टोर हो जाएगा, इसके बाद में आप इसको इंस्टॉल वगैरह भी कर पाओगे। तो आई थिंक कि सबसे बेस्ट ये तरीका है, आप यहाँ इस ऐप से फाइल मैनेजर का भी काम कर पाओगे, आप डेटा भी ट्रांसफ़र कर पाओगे, APK फाइल भी ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो आई थिंक कि ऑल इन वन एक ऐप से आपका काम हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये ऐप आपको पसंद आई होगी, इसको आपको अपने टीवी में जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल पर अगर आप पहली बार हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।